सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर अबाया और बुर्का पहनकर आने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर है। सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर लानत मलामत करते आई है। So there is this religiosity जिससे भी it comes to the fore in Muslim politics, Muslims जहां भी हैं और उससे उनका ही नुकसान होता है। लोग जो हिजाब बैन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय सरकार को, उनका मानना था कि क्लासरूम में हिजाब बैन डिस्क्रिमिनेटरी है, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया है। कोई भी बच्ची क्लासरूम में जो भी महिला मौजूद होगी वो क्लास के अंदर अबाया नहीं पहनेगी। और ये जो अभी आदेश आया है सऊदी में, उस समय में आया है जबकि अभी भी भारत में सुनाई पड़ जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल से लड़कियां एग्जाम छोड़कर बाहर ये कहकर निकल रही हैं कि हमें हिजाब और बुर्का नहीं पहने दिया जा रहा, हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन हमारा हिजाब है। और इनफैक्ट आपको एक बात और याद दिला दूं कि कर्नाटका के एक उडुपी कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ और आप सबको याद होगा कि कितना बड़ा विवाद ये पूरे देश में फैला। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब हाईकोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, उसके बावजूद भी ये लड़ाई लगातार चल रही है। इसी पे बहस होती आई है जब हिजाब की बात आई है कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है तो फिर चॉइस की तो बात ही नहीं रह जाती, आपको फॉलो करना है। अगर चॉइस की बात है तो फिर एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस महिला की चॉइस कैसे हो सकती। आप सबको ये तो पता ही है कि ईरान में सितंबर से हिजाब के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और ईरान में कितने ही लोग अब तक हिजाब के विरोध में अपनी जान दे चुके हैं। वो आज भी इस अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में जहां पर ये अधिकार मिला हुआ है वो इस अधिकार से खुद को वंचित करना चाहती। कितने अफसोस की बात है, कोई भी रीत या रिवाज बहुत समय से चलता आ रहा है तो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गलत तो गलत होता है चाहे कितना भी पुराना हो। उसको लेकर आज सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर लानत मलामत करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, महिलाओं को बच्चियों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक मैंडेटरी लॉ बना हुआ है महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर एक आउटर गारमेंट बुर्का हिजाब पहनने का, उसको लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और क्लास रूम में एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं के लिए बच्चों के लिए हिजाब या फिर अबाया हम कहें शॉर्ट, उसको बैन कर दिया है। So there is this religiosity जिससे भी it comes to the fore in Muslim politics, Muslims जहां भी हैं और उससे उनका ही नुकसान होता है। एक मैं मिसाल आपको बर्तानिया की जरूर दूंगा जिससे आपके सुनने वाले समझ जाएंगे कि फर्क क्या है। 1950s में इंडिया और पाकिस्तान से काफी लोग गए बर्तानिया, शादियां उन्होंने बीवियां वापिस अपने गांव से लेकर आए। But the first generation of Pakistani women did not work. तो घर में ही रही, अपने बुरखे पर्दे में रह गए। लेकिन जो इंडियन औरतें आई, या तो अपने हस्बैंड के साथ दुकान खोल लिया इंडियन स्टोर या मार्केट में जाके काम, या घरों में भी काम किया उन्होंने, but they went out into the marketplace. उससे फर्क ये हुआ, हिंदू कम्युनिटी थी खासतौर से, उनकी इनकम डबल हो गई, राइट। लेकिन जो औरतें बाहर जाके काम करने लगी वो अंग्रेजी सीख ली। अंग्रेजी सीखने से यह हुआ कि वो अपने बच्चों के होमवर्क पर, बच्चों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे सकी। स्कूल में कोई मसला हुआ तो शी कुड गो एंड टॉक टू द टीचर इन इंग्लिश। तो उससे उनकी बच्चे जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस के जो बच्चे थे, दे डिड एकेडमिकली वे बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी मुस्लिम्स। पर कैपिटा इनकम अचीवमेंट्स देख लें आप इंडियन, तो आपको पता है मिट्टल नाम का बंदा है तो वो तो कब का बिलियनर बना हुआ है, वो तो 20 साल पहले की बात है ना। दे वर ऑलरेडी मेकिंग लॉट ऑफ मनी आल्सो। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा चक्कर वापस बांग्लादेशियों के साथ 70s में देखने को मिला। सऊदी अरब अब मॉडर्न बन चुका है, सऊदी अरब के अंदर अब अबाया और बुर्का ये अजीब चीज बन चुकी है। जैसे मान लो अबाया और बुर्का पहन करके वो कोई जुर्म कर रही हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एग्जाम हॉल के अंदर अबाया और बुर्का पहनकर आने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अभी तो सिर्फ एग्जाम हॉल के अंदर ही पाबंदी लगाई है, अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे सऊदी अरब के अंदर भी अबाया और बुर्का के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी ये कानून सिर्फ एग्जाम हॉल तक के ही लिए बनाया गया है, लेकिन वो वक्त वो दिन दूर नहीं जब ये कानून पूरे सऊदी अरब के लिए भी बना दिया जाएगा। ये मेरी बात याद रख लेना। सऊदी अरब के इस घटिया कानून का सबसे ज्यादा नुकसान उन मुसलमान बच्चियों को होगा जो पिछले काफी टाइम से हिजाब और बुर्के के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उन मुसलमान बच्चियों को सऊदी अरब की इस घटिया हरकत का हवाला दे करके खामोश कर दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसी खबरें मिल रही है कि वहां पर कुछ खातूनों को, खवातीन को एग्जाम हॉल में नहीं बिठाया गया क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा था।
बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर है कि जिस मिट्टी से तमाम औरतों को सिक्योर करने का मिशन यानी बुरका जो चल पड़ा था, आज उसी मिशन को रोकने का काम वहीं के लोग कर रहे हैं।